subscribe to ADDA247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos. Hello everyone, good morning and welcome back to the 247. My name is Sonu and this is your daily current affairs show. So, आज का जो हमारा current affairs show है उसमें हम again कुछ important news के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं. I hope कि आपने जो कल session हुआ था हमारा 4 PM पर current affairs session वो आपने definitely देखा होगा और उसने आपको काफ़ी help किया होगा. So, good morning to all of you. यहाँ पर जो भी लोग आ चुके हैं वो यहाँ पर यस मैम लिख सकते हैं अगर आप सब रेडी हैं तो. सो आज आप यहाँ पर बोर्ड के ऊपर देख ही सकते हैं आज का मैंने आपके लिए कोट रखा है वो है अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश. आपने कोई भी अपने लाइफ में अगर गोल सेट किया है और आप उसके लिए अभी से प्लान्ड नहीं हो तो वो क्या है, जस्ट अ विश है. देखो एक बात समझो, आपका अपना कोई ड्रीम हो सकता है, आपको लग सकता है कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए. ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो वो चाहते होंगे कि ये चीज़ उनके पास होनी चाहिए, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए आपके पास एक डेफिनेट प्लानिंग होना ज़रूरी है. आपके पास एक प्लानिंग हो कि आप वो अचीव कैसे करोगे. सो आपको कोई भी अपनी लाइफ में गोल है, चाहे वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, किसी जॉब से रिलेटेड है, या फिर कोई भी गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए एक अपना प्रॉपर प्लानिंग लेकर चलो. आपको हर दिन पता होना चाहिए कि आपको अपना हर दिन स्पेंड कैसे करना है. और यही सबसे बड़ी चीज़ हो, अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं सो यू हैव टू बी अ गुड प्लानर. जिस जो भी लोग बैंकिंग एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं दे आर ऑलवेज अ गुड प्लानर. ठीक है, तो आपको गुड प्लानर होना ज़रूरी है लाइफ में, तभी आप कुछ अच्छा गोल, कोई बड़ा गोल अचीव कर पाओगे. सो आपको अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए अपनी पूरी प्लानिंग लेकर चलनी. आपको अभी से पता होना चाहिए कि कैसे आपको इंटरव्यू क्रैक करना है. ऐसे मत सोचो कि प्री एग्जामिनेशन होगा फिर मेंस होगा. मैंने हमेशा जब प्रिपरेशन किया था तो मैं हमेशा अपनी सोच लेकर चलती थी इंटरव्यू तक की कि मुझे उसमें कैसे परफॉर्म करना है. तो दूर तक का सोचोगे तो वहाँ तक एक ना एक दिन ज़रूर पहुँच जाओगे. तो चलिए जल्दी से सेशन को यहाँ पर लाइक कर दीजिए, फिर शुरू करेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज़ ऑब्जर्व एज वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे. दिस इज़ द क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द स्टैटिक अवेयरनेस हम बोल सकते हैं. इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो किससे रिलेटेड है, एक डे से रिलेटेड है. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विच डे इज़ ऑब्जर्व एज वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, यानी कम्युनिकेशन जो डे है वो किस दिन मनाया जाता है. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पर ही आपको आंसर करना है. देखिए यहाँ पर आप जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ 17th में. ओके, सो 17th में आपको यहाँ पर याद रख लेना है. व्हाट इज़ द थीम, आपको इसका बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस डे का थीम क्या रहा था. इसका जो थीम रहा था वो था ब्रिजिंग द स्ट्रेंथ. ओके, ब्रीजिंग द स्टैंडर्डाइजेशन गैप जो है, जो हमारा टेली कम्युनिकेशन से यानी लोगों को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जो गैप का सामना करना पड़ता है उस पर इसका फोकस रहा था, जो आपको यहाँ पर याद रख लेना है. ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए था ताकि हम आज की सोसाइटी में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें. तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेम ऑफ द कंट्री दैट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन एशिया टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिजेस, यानी सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज किया गया है. एशिया की पहली ऐसी कंट्री कौन सी है, ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है. सो आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का. देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ ताइवान. नाउ वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, वट इज़ द कैपिटल एंड वट इज़ द करेंसी ऑफ ताइवान. ताइवान की कैपिटल एंड करेंसी क्या है. अगेन आप यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में बाकी कंट्रीज़ दिख रही हैं उसकी भी कैपिटल और करेंसी जो है आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो ताइवान की जो कैपिटल है वो क्या है, यहाँ पर ताइपी है एंड द करेंसी इज़ डॉलर. तो ताइवान, ताइपी, डॉलर जो है आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर याद रख लेना है. हांगकॉन्ग की जो कैपिटल है वो क्या है, यहाँ पर सेंट्रल है. और यहाँ पर करेंसी क्या है, हांगकॉन्ग की डॉलर है. थाईलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, बैंकॉक है. और थाई भाट इज़ द करेंसी.
सो ये भी आपको यहाँ पर याद रख लेनी है. सारे यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट है. वियतनाम की जो कैपिटल है वो हनोई है एंड द करेंसी इज डोंग. आई होप ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी. दिखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ग्लोबली. देखो आई नो कि काफ़ी डेज आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पर और डेफिनेटली आपका कोई भी यहाँ पर डे आ सकता है. तो डेज़ को याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है आई नो दैट, बट हम क्या करेंगे, जैसे हमने अप्रैल मंथ के सारे डेज़ को एक क्लास में कवर कर लिया था, ऐसे मैं क्या करूँगी, एक सेशन आपके लिए लास्ट में लेकर आऊँगी जिसमें हम पूरे मई मंथ के जितने भी डेज़ होंगे उनके थीम होंगे उनको कवर कर लेंगे. तो उससे पहले आपको ये डेली क्लासेस फॉलो करना है ताकि आप उन क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर कर पाओ. आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है वो कब मनाया जाता है. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है. देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 16th मई. ओके सो 16th मई जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है. आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इसका एडिशन कौन सा था. सो इट वॉज सेकेंड एडिशन. मनाया किसने इसको, यूनेस्को ने. यूनेस्को जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है. प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस के, एमनुअल मैक्रोन है. अगेन यहाँ पर अगर आपसे डायरेक्टर जनरल पूछे जाएंगे तो आप क्या बता देंगे, ऑड्रे अजोले जो हैं वो क्या हैं, डायरेक्टर जनरल हैं. कहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं. सो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. उसके बाद हम मुख करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो कामी रीता स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फॉर 23rd टाइम. आप सोच सकते हैं कोई ऐसा पर्सन जिसने 23 बार माउंट एवरेस्ट जो है उसको क्लाइम किया है, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री. आपको बताना है वो कौन सी कंट्री से यहाँ पर बिलोंग करते हैं. तो उन्होंने यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है. ही बिलोंग्स टू व्हाट, नेपाल. वो नेपाल से बिलोंग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर. नेपाल की कैपिटल एंड करेंसी क्या है. नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी जो है वो नेपाली रुपी है. ये चीज़ हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए थी. आप प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है उनको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हैं. अगेन आपसे अगर पूछा जाएगा तो उन्होंने कितनी लिमिट क्रॉस की है, उन्होंने कितना मीटर वहाँ पर क्लाइम किया था, 8850 आपको यहाँ पर याद रख लेना है. ओके सो देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. विच कंट्री विल होस्ट द 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट. 2023 का जो हमारा एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट है उसको कौन सी कंट्री यहाँ पर होस्ट करने वाली है. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है. देखो अगेन वन मोर वेन्यू, ये आपसे वेन्यू बिल्कुल पूछा जा रहा है. यहाँ पर आपको एक चीज़ जो याद रखनी है, पहले उसको होस्ट करने वाले थे साउथ कोरिया. अब साउथ कोरिया ने क्या कर लिया, खुद को इससे विदड्रॉ कर लिया है. तो अब साउथ कोरिया की जगह जो कंट्री इसको होस्ट करने वाली है वो कौन सी कंट्री है, चाइना है. सो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, चाइना यहाँ पर होस्ट करने वाली है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. ओके सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. यहाँ पर एक आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है जो किसकी वेबसाइट है, लोकपाल की वेबसाइट है. सो वेबसाइट ऑफ लोकपाल दैट इज़ www.lokpal.government.in हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय. किसने इसको लॉन्च किया ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है. अगेन आपसे ये बताया जा सकता है यहाँ पर कि इन्होंने लॉन्च इस वेबसाइट को लॉन्च तो इस पर्सन ने किया, लेकिन वेबसाइट का नाम क्या है. तो वेबसाइट के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो आपसे ये जो अपोजिट क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है. ओके तो चलिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष या पीसी चंद्र घोष भी बोल सकते हैं. उन्होंने इस वेबसाइट को क्या किया था, लॉन्च किया था यहाँ पर. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो हु हैज़ रोल्ड आउट द मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम टू हेल्प इंडियन वर्क फोर्स. देखिए ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ. इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप. अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ से इंडिया से आपको पता है कितने लोग यूएस में जाके रहते हैं, तो वो वहाँ पर क्या चाहते हैं कि उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिले वहाँ पर, या फिर क्या मिले वहाँ पर, उनको बोला जाता है ग्रीन कार्ड बोला जाता है. ग्रीन कार्ड का मतलब वही है कि आपको वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी. तो उसी से रिलेटेड वहाँ पर जो इंडियन वर्कफोर्स है उनके लिए पूरा ये सिस्टम लॉन्च किया गया है. तो आपको ये याद रख लेना है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये सिस्टम लॉन्च किया था. डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. विच स्टॉक एक्सचेंज हैज़ लॉन्च द स्टार एमएफ. स्टार एमएफ जो है इनमें से किस स्टॉक एक्सचेंज ने यहाँ पर लॉन्च किया है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. सो यहाँ पर जो आपको एक स्टॉक एक्सचेंज याद रखनी है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज BSE. अगर यहाँ पर आपको पता हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या कि MD CEO कौन है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू.
you have to tell me who is the MD and CEO of Bombay Stock Exchange. So Ashish Kumar Chauhan. Okay. Ashish Kumar Chauhan is the MD and CEO of what? Bombay Stock Exchange. One more important news जो अभी current affair में हमारा चल रहा है वो है National Stock Exchange. जो हमारा NSE है उसको क्या कर दिया है SEBI ने ban कर दिया है. कुछ यहाँ पर fault की वजह से NSE को ban कर दिया. National Stock Exchange has been banned for 6 months by SEBI. SEBI stands for Securities and Exchange Board of India, whose headquarter is in Mumbai. ये आपको यहाँ पर याद रख लेना. अजय त्यागी जो हैं SEBI के चेयरमैन हैं. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इन मध्य प्रदेश वुमेन हैंडल द एंटायर वर्क ऑफ काउंटिंग वोट्स इन विच डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश में वुमेन्स जो है यानी आपको पता है वोट काउंटिंग का जो काम है वो किसको सौंपा गया है. यहाँ पर सिर्फ वुमेन्स को सौंपा गया है. तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ए बी सी डी ऑप्शन में से. यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश से हैं वो आई होप इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर कर पाएंगी. सो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज हरदा. हरदा जो डिस्ट्रिक्ट है वो मध्य प्रदेश में है जहाँ पर सारी जो वोटिंग काउंटिंग की है वो किसने की है, विमेंस ने की है. वन मोर क्वेश्चन फॉर हु इज़ द चीफ मिनिस्टर एंड हु इज़ द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रिसेंटली अपॉइंटेड जो हैं उनका नाम क्या है, यहाँ पर कमलनाथ है. गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है मध्य प्रदेश की. ओके सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होंगी. अगर आपको समझ आ रही हैं तो आप सेशन को यहाँ पर लाइक कर सकते हैं. ठीक है तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रांस एंड विच कंट्री हैव जॉइंटली लॉन्च्ड न्यू इनिशिएटिव क्रिस्ट चर्च कॉल. ओके सो क्रिस्ट चर्च कॉल जो है वो इनिशिएटिव किसने शुरू किया है फ्रांस के साथ में मिलकर. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है. देखिए ये जो है किसके लिए लॉन्च किया गया था, एक इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया था क्योंकि आपको पता है चर्च वगैरह जो है उसमें क्या हो रहा है अभी काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं तो उसी से रिलेटेड ये यहाँ पर लॉन्च किया गया था. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज़ न्यूजीलैंड. तो यहाँ पर आपको जो याद रखना है न्यूजीलैंड आपको याद रख लेना है. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. US President Donald Trump has rolled out a merit-based immigration system. जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने लॉन्च किया, डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया. अगेन द क्वेश्चन इज द प्रोपोजल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द कोटा फॉर स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नियरली 12% टू व्हाट परसेंट. यानी वहाँ पर क्या बोला, जो इंडिया से वर्कर्स का कोटा है वो पहले कितना था, 12% था, अब कितना हो गया है. दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. और काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ये. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज़ 57%. ओके तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है 57% अब याद रख लेना है, पहले कितना था, 12% था आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट एमडी एंड सीईओ ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड. आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसकी करंट एमडी एंड सीईओ कौन है एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. देखिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर वो शमित घोष है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्या. बट यहाँ पर अराउंड दिसंबर 2019 में जो नए एम डी एन सी ओ बनेंगे वो कौन है. न्यूज़ तो ये आया था कि नए एम डी एन सी ओ जो हैं वो अपॉइंट होने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के. तो नितिन चक जो हैं, ओके सो नितिन जो हैं उनको बनाया जाएगा नया एमडी किसका, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का. विट इज द हेडक्वार्टर ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इट इज इन बेंगलुरु. बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का. ओके सो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रख लेनी थी. आज के क्लास में टोटल 12 क्वेश्चंस हैं. यहाँ आज इतनी ही न्यूज़ थी आपके लिए. अगेन आप क्या चाहते हैं कि मंडे को जो हमारा 4 PM क्लास है उसमें हम कौन सा टॉपिक कवर करें, उसके लिए भी सजेशंस जो हैं आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए क्लास लेकर आऊँ. अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हैं लाइक बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास चाहते हैं तो उसमें भी क्या टॉपिक कवर करें, उसके लिए आप यहाँ पर सजेशंस अपने दे सकते हैं. ओके सो अगेन वन मोर थिंग, जो हमारा 17 आप खुद यहाँ पर अगर सर्च करेंगे वीडियो सेक्शन में जाके, 17th को 4 PM क्लास हुआ था, MCQ क्लास था जिसमें हमने फर्स्ट से लेकर 10th May तक का जितना भी करंट अफेयर था उसको कवर कर लिया था. तो आपको ये जो करंट अफेयर है वो कवर करना है, आपका पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा. ठीक है तो ऐसे ही आने वाले क्लासेस में अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं आपको 11 से 20 तक का करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ.
हम क्या करेंगे 11 से 20 तक के फिर से एक एमसीक्यू सेशन रख लेंगे जिसमें हम सारा अपना रिवीजन कर लेंगे। तो ऐसे ही सेशंस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आप यहाँ पर सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।